बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी आज आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनप्रयाग पहुंचे। अनिल बलूनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी ली। अनिल बलूनी ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से उड़ानें नहीं हो पा रही हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण सेमवाल ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी मौजूद हैं। बलूनी जी, अभी सोनप्रयाग आपदा पीड़ित क्षेत्र का मौका मुआयना किया है, उनसे जानते हैं सर, अभी सोनप्रयाग जो अन्य आपदा पीड़ित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और अतिवृष्टि के कारण बहुत बड़ी संख्या में मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। बहुत जगह, कई जगह से मार्ग बह भी गए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऊपर फंसे हुए थे। काफ़ी संख्या में निकाले भी जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं उनको खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है और मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे कि वो अपने परिजनों से बात कर सके, वो अपने परिजनों को बता सके अपनी कुशलक्षेम। अभी हमारी पूरा फोकस है कि जितने फंसे हुए लोग हैं उनको तेज़ी से निकाला जाए। मौसम थोड़ा साथ दे तो हम लोग हेलीकॉप्टर की मदद से तेज़ी से उनको निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है उसको, हम मुझे लगता है कि जल्दी कर लेंगे। एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए फिर हमारी कोशिश है जो मार्ग अवरुद्ध है, जो मार्ग टूटे हुए हैं, उनमें किस तरीके से जल्दी से बना के उसको रिपेयर किया जाए। जो हमारे नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब यहाँ पहुँच गए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और हम लोगों को पूरा ऐसा हमारी अपेक्षा है कि जल्दी सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। सर, अभी तक जो केदारनाथ हो गया, जो पैदल रास्ता हो गया, कितने लोगों के फंसने की उम्मीद है? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा चुका है, लगभग 1001 के आसपास लोग वहाँ होंगे। लेकिन सबसे संतोष की बात है कि वह प्रशासन के संपर्क में है, उनको सारा खाद्य सामग्री और जितनी ज़रूरत की चीज़ें वो सब मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं कि चल के आ सके। उनके लिए जैसी मौसम खुलेगा हमारे यहाँ चिनूक और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सब यहाँ तैयार है, जैसी मौसम खुलेगा उनको भी हम निकाल लेंगे। लेकिन अधिकांश लोगों को निकाला जा चुका है, सारे लोग सुरक्षित हैं और प्रशासन के संपर्क में भी।